मेरठ के एक दरोगा का फोटो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का पटका पहनकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों के आरोप लगने शुरू हो गए कि यह दरोगा भाजपा का प्रचार कर रहा है, जो कि सरासर गैर कानूनी है। जैसे ही यह मामला SSP के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत उस दरोगा को निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद ही उस दरोगा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। क्या है इस फोटो की पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। उत्तर प्रदेश में मेरठ जनपद के TP नगर थाना क्षेत्र के दरोगा हरीश गंगवार का भाजपा का पटका पहने और भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। फोटो में SI हरीश गंगवार कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने गले में BJP का पटका डाला हुआ है। वहीं दरोगा की इस फोटो का संज्ञान लेते हुए SSP रोहित सिंह सजवाण ने उन्हें निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक BJP प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए प्रचार कर रहे लोग TP नगर थाना क्षेत्र में पहुंचे, जहां ईरामोल चौकी पर दरोगा हरीश कुमार गंगवार एक सिपाही हरिओम के साथ बैठे थे। दरोगा हरीश कुमार गंगवार का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आरोप है कि उन्होंने भी BJP का पटका गले में डाला और BJP के प्रत्याशी का प्रचार किया। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि BJP कार्यकर्ताओं ने दरोगा के गले में पटका डाल दिया था। इसके बाद दरोगा व सिपाही के हाथ में भाजपा प्रत्याशी का पैम्पलेट देकर लोगों से उनके पक्ष में वोट मांगने को कहा, तो दरोगा व सिपाही ने कई राहगीरों को भाजपा प्रत्याशी का पैम्पलेट दे दिया। दोनों ने कई राहगीरों से वोट मांगे। इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं फोटो के आधार पर दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि सिपाही हरिओम को क्लीन चिट दे दी गई है। इस मामले की जांच CO संतोष कुमार को सौंपी गई है। उधर निलंबित दरोगा हरीश गंगवार और कांस्टेबल की तरफ से पार्टी का पटका पहना प्रचार कराने वाली महिला पार्षद और 25 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दरोगा ने कहा कि वो किसी के लिए वोट नहीं मांग रहे थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पार्टी वालों ने जबरन गले में उनके पटका डाल दिया और फोटो ले ली। वहीं इस मामले में दरोगा हरीश गंगवार का कहना है कि उनके गले में जबरदस्ती BJP का पटका डाला गया था। वो ड्यूटी पर थे, वह किसी प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर रहे थे। दरोगा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है। दरअसल BJP ने मेरठ से अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी की महिला पार्षद समेत कुछ लोग अरुण गोविल का प्रचार कर रहे थे। यह मामला 3 दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन फोटो अब वायरल होने पर दरोगा के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज़ पर।